नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कच्चे नारियल की खीर बनाएंगे। ये चावल की खीर से थोड़ी डिफरेंट होती है और इसे व्रत में खाया जा सकता है, तो बहुत अच्छी लगती है ये खाने में और थोड़ा डिफरेंट खीर होती है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, मैंने ये एक मीडियम साइज़ का नारियल लिया है, इसे छील लिया है और अच्छे से धो लिया है। तो आप ऊपर का ब्लैक छिलका उतार दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी बनेगी ये। और इसे हम बहुत बारीक बारीक कद्दूकस में कस लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे कस लिया है। और आइए अब इसकी खीर बनाते हैं हम। तो देखिए, 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध लिया है। इसे आप एक बर्तन में चढ़ाकर बॉईल होने तक इसे गर्म कीजिए। थोड़ा चलाते रहें बीच में ताकि ये लगे नहीं नीचे। और देखिए, बॉईल होने के बाद ये नारियल हम इसमें डाल देंगे। तो अभी हमें सिर्फ नारियल डालना है और कुछ नहीं डालना है। ये थोड़ा टाइम लेगा कुक होने में। तो अब मीडियम फ्लेम पर आप इसे 10 मिनट तक लगभग बीच बीच में चलाते हुए पकाइए। तो देखिए, 10 मिनट हो गए हैं, दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। यहाँ मैंने 1 कटोरी मखाना लिया है, आप इसे मिक्सी में थोड़ा दरदरा इस तरह से पीस लीजिए। यहाँ हम इसे डालेंगे, इससे थोड़ा इसको बॉडी मिलेगी, नहीं तो नारियल और दूध अलग अलग रहेगा तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएंगे आपस में और बहुत टेस्टी बनेगी। और थोड़ा सा यहाँ काजू और बादाम को कूट लिया है। तो अभी से हम फिर से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ड्राई फ्रूट भी अच्छे से पक जाए, नारियल और पक जाए और थोड़ा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 कटोरी चीनी ली है मैंने, ये आप अपने टेस्ट से डालें चीनी को। अब इसे मिलाकर हम 5-7 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे और फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची डालेंगे यहाँ हम। अब देखिए, आपको ज़्यादा गाढ़ी खानी है तो और पका लें आप, बाकी ये ठीक है। अब यहाँ पर आप ये कुक हो चुकी है, अब गैस को बंद कर दीजिए और इसे आप थोड़ा ठंडी खाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा ठंडा 2-3 घंटे के बाद खाइए।